आपका नाम क्या है और आपका बिजनेस क्या है? मेरा बाबू पटेल। बाबू पटेल नाम है आपका। हमारा जेरोक्स स्टेशनरी टॉय एंड गिफ्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इन्वेंटरी की बात करते हैं। इस बिजनेस में आपको कितनी इन्वेंटरी, क्या क्या इन्वेंटरी रखनी पड़ती है? कुछ चीजों के नाम बताइए जो आपको माल रखना पड़ता है। जेरोक्स पेपर रखना पड़ता है, लॉन्ग बुक रखना पड़ता है, नोटबुक रखना पड़ता है। ये टॉयज एंड गिफ्ट्स के अंदर क्या क्या आते हैं? जैसे कि बहुत सारे टॉयज एंड गिफ्ट्स होते हैं, तो आप कैसे चूज करते हैं? गेम वगैरह आती है, कार वगैरह आती है, सॉफ्ट टॉयज वगैरह आता है, अलग अलग आता है। ओके, अभी आपका स्टेशनरी का बिजनेस है, तो ये जो मैं मशीन्स देख रहा हूँ, इन लोग का प्राइस क्या होता है और आप इन्हें कैसे खरीदते हैं? तो रहता है अलग अलग, अभी मेरे पास मशीन है वो 1.5 लाख का मशीन है। उन लोग का पेमेंट सिस्टम कैसे रहता है? कैश पेमेंट, धीरे धीरे या फिर एक ही बार में? साथ में। आप कितने टाइम से बिजनेस खोल के बैठे हैं? 8 साल चालू है। आठवां साल। आप अपनी शॉप का लोकेशन बता सकते हैं पूरा? शॉप का लोकेशन है भूमि पार्क, शॉप नंबर 11, इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज। आप एवरेज इन्वेंटरी बता सकते हैं? किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको स्टार्टिंग में कितना पैसा डालना पड़ेगा? तो स्टार्टिंग में 15 से 20 लाख रुपए तो चाहिए उसके पूरे माल के लिए। और जो आप फर्नीचर वगैरह रहता है, माल रहता है, डिपॉजिट रहता है, ये जो फर्नीचर रहते हैं, ये सारे जो भी टेबल्स रहते हैं, आप कस्टम बनवाते हैं या फिर रेडीमेड आपको मिलना पड़ता मिल जाते हैं? दोनों ऑप्शन रहता है, कस्टम भी बना सकते हैं और रेडी भी मिलता है। तो लोगों के लिए सबसे सस्ता कौन सा होगा? सस्ता तो ऐसा कस्टम वाला पड़ता है। और एवरेज कितना प्राइस जाता है? सब अलग अलग रेंज के ऊपर, अपन कैसा मटेरियल खरीदेंगे उसके ऊपर बनता है। हमको ये 15 लाख रुपया पड़ा था, 15 लाख गया था। और फिर स्टॉक का अलग से। 8 साल पहले बिजनेस के साथ आप जब नए नए सेट किए थे, इधर ज्यादा उतना होगा नहीं आपका नहीं। और अभी तक कितना चेंज हुआ है, क्या क्या बदला है इस एरिया में बिजनेस में? बहुत बदला है ऐसा, तो उसमें ऐसा नहीं एरिया। कंपटीशन लोगों में कितना बदला है? लोग भी आते हैं, जैसा जैसा बिजनेस चालू करते हैं ऐसा ऐसा कस्टमर, नए नए कस्टमर आते हैं, नए नए लोग चेंज होते रहते हैं कि दूसरा एरिया में आया, नया एरिया में आया ऐसा। कभी कस्टमर्स के बारे में पूछेंगे, आपको डेली कितने कस्टमर्स आते हैं एवरेज के नाम पर? ऐसा तो 150-200 के आसपास आते हैं। 150-200 आ जाते हैं, मतलब अच्छा खासा आता है। 8 साल में ये आपको पूरा बिजनेस सेट है। मैं पूछना चाहूंगा आपका डेली एवरेज रेवेन्यू कितना होता है? रेवेन्यू तो कस्टमर के ऊपर रहता है कि कैसा आता है, मतलब 5-6 हज़ार, 8 हज़ार के आसपास हो जाता है दिन का। तो दिन का आपको 5-7 का बिजनेस होता है एंड 150 से 150 लोग आते हैं। एम्प्लॉयज कैसे रखते हैं, कितने टाइम में चेंज होते हैं, कहाँ आप एम्प्लॉयज ढूंढते कैसे? समझो आप नौकरी ढूंढते तो कैसे मिलते हैं? अच्छा, तो लोग आपके पास सामने से आ जाते हैं।